हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन नीट के लिए एक क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद टाइम एज शोन फिगर। इफ इट एट टी बराबर 0, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वी नॉट, देन इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टी नॉट विल बी। ये डायग्राम दे रखा है। देखो, तो इस डायग्राम से एक तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं हम, तो इस डायग्राम से हमें क्या मालूम पड़ रहा है? यहाँ तक ये एफ नोट है, तो ये इस सर्कल की क्या हो गई? रेडियस हो गई। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल देखें तो एफ नोट, और इधर से रेडियस ऑफ सर्कल देखें तो टी नोट बाई टू बराबर टी नोट बाई टू। ठीक, अच्छा इतना हो गया। अगर अगर हम इसका, ये टाइम एक्सेस है और ये फोर्स है, फोर्स और टाइम एक्सेस के का ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो इम्पल्स देता है। तो वी नो दैट जो इम्पल्स होता है वो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, और इंपल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ ग्राफ दिखाएं तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई रेडियस का स्क्वायर बाई टू, और चेंज इन मोमेंटम लिखे हैं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एम कॉमन ले लेते हैं, वी माइनस यू इज इक्वल टू पाई बाई टू, और रेडियस लिखे हैं यहाँ पे तो रेडियस ऑफ सर्कल एफ नॉट, तो एफ नॉट का स्क्वेयर, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू पाई एफ नॉट का स्क्वेयर अपॉन टू एम। वी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0 पर गिवन है। अगर डायग्राम बनाने की, एक पार्टिकल है जिसका मास एम है और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है जब टाइम टी 0 है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, और जब टाइम कितना हो जाए, टी बराबर टी नॉट हो जाए, तो इसकी वेलोसिटी वी है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो वी तो आपका पूछ रहा है माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है बराबर पाई एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई एफ नॉट डिवाइड बाई टू एम, ऐसे ले सकते हैं इसको। और एफ नॉट की वैल्यू जो है टी बाई टू, एफ नॉट इज इक्वल टू टी नॉट बाई टू, ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू पाई एफ नॉट बाई टू एम मल्टीप्लाइड बाई टी नॉट बाई टू, इसे ले सकते हैं पाई एफ नॉट टी नॉट डिवाइड बाई फोर एम, फोर एम और वी माइनस वी नॉट, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस पाई एफ नॉट टी नॉट डिवाइड बाई फोर एम। एक तो ये ले सकते हैं, अगर हम इसी जगह पर, इस जगह पर अगर एफ नॉट की वैल्यू पूरी पुट कर देते और वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू पाई अपॉन टू एम, और एफ नॉट की वैल्यू एफ नॉट का स्क्वेयर दैट मीन्स पाई बाई टू एम, और एफ नॉट की वैल्यू टी नॉट का स्क्वेयर बाई फोर, ये वी माइनस वी नॉट, तो वी बराबर वी नॉट प्लस पाई टी नॉट फोर टी नॉट का स्क्वेयर बाई एट एम। एक आंसर ये आ सकता था, एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन चॉइस में टी नॉट तो है, लेकिन टी नॉट का स्क्वायर है, देखो ये टी नॉट का स्क्वायर है बट यहाँ 4 एम और यहाँ 8 एम है, यहाँ 8 एम है, इसीलिए ये चॉइस तो नहीं हो सकती। इसकी जो चॉइस है वो है आपकी फर्स्ट, वी नॉट प्लस पाई एफ नॉट टी नॉट बाई 4 एम, ये देखो फर्स्ट चॉइस मैच कर रही है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।